श्रेयस अय्यर ने पिछले मैच में, तो एक मैच से आप कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, पहला मैच अपना खेला उन्होंने भारत के बाहर T20 पर, अच्छी बल्लेबाजी करी उन्होंने, ठहराव था उस दिन उनमें, ज्यादा फ्लैशी नहीं थे। जब 50 भी बनाए तो मतलब एक वो होता है ना, जो युवा खिलाड़ी थोड़े फ्लैशी होते हैं, थोड़े वो टैटू वाले आजकल हो गए, वो थोड़ा ठहराव दिखाया उन्होंने उस दिन। नहीं, बट वो बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, डोमेस्टिक में दिल्ली कैपिटल के कप्तान है, एज अ बैट्समैन 4 नंबर उनको सही सूट करता है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में वो उस नंबर पर खेलते हैं, रन बनाते हैं मुंबई के लिए। तो मैं बड़ा इंप्रेस हुआ उनकी बैटिंग से, मुझे लगता था कि 50 ओवर के बहुत बढ़िया प्लेयर होंगे, टाइम लेंगे, लेकिन T20 में भी कमाल की बल्लेबाजी की इन्होंने। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि स्पिनर या फास्ट बॉलर क्रीज से खड़े होकर छक्के लगाते हैं। कईयों की स्ट्रेंथ होती है स्टेप आउट करके लगाते हैं, कईयों की होती है रूम बना के लगाते हैं, बट ये अपनी जगह पर खड़े होकर बड़े आराम से छक्के लगाते हैं, जो कि T20 के लिए बहुत बेनिफिट है। आप T20 और ODI कह रहे थे, तो उन दोनों के आंकड़े जो हमने जोड़ रखे हैं श्रेयस अय्यर के, तो आपको दिखाते हैं। एक में 13 एक दिवसीय खेल चुके हैं, 16 T20 खेल चुके हैं और जम के खेलते हैं। ODI में अलग स्ट्राइक रेट है, T20 में समझते हैं कि गेम ज़्यादा तेज़ है तो वहाँ पर स्ट्राइक रेट थोड़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा नहीं देखा अभी हमने श्रेयस अय्यर को, पर जो अभी तक दिख रहा है ठीक ठाक दिख रहा है। हाँ, टोटल तो 30 मैच ही हुए हैं अगर दोनों को मिलाएं तो, 30 मैच तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे और बढ़ेगा, जैसे जैसे और इंडिया के बाहर खेलेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इनका मनोबल बढ़ेगा। KL राहुल ने भी इनके बारे में कुछ कहा था। आजकल KL राहुल आपको पता है हर चीज़ करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वही जाते हैं, सब जगह वही जाते हैं, खाना भी वही बनाते हैं टीम के लिए, बस भी वही चला के लाते हैं ग्राउंड पे। तो यही कहा इन्होंने श्रेयस अय्यर के बारे में भी कि जिम्मेदारी के साथ खेले वो, तो ये अजय दिखा उस दिन जिम्मेदारी दिखा रहे थे श्रेयस अय्यर। और शॉर्ट बॉल जो है, वो शॉर्ट बॉल के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा सा उनको खोल दिया था एक दिवसीय में, वो संभाला उन्होंने उस दिन। आई थिंक उससे एक चीज़ देखने को मिली कि टेम्परमेंट, क्योंकि जैसे कहा कि शॉर्ट बॉल में कोई तकलीफ हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी, कोई दुनिया का खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको कहीं ना कहीं तकलीफ ना हो। तकलीफ तो रहती है किसी को शॉर्ट बॉल में, किसी को आगे वाली, किसी को अंदर वाली, खिलाड़ी वो होता है कि उस तकलीफ से कैसे निकल के उभरता है। क्योंकि पता है ऑपोजिशन को, उसके बावजूद आपको निकलना था। तो टेम्परमेंट इनका हमेशा, वीरू ने जो बात कही, हमको भी ऐसा सबको लगता था कि यार ये वनडे में तो टाइम लेके तो ये खेलता है क्योंकि टेम्परमेंट इतना अच्छा है, पारियां लंबी खेलते हैं, जब मौका मिलता है। ये उनमें से नहीं है जो स्टार्ट मिल जाए तो थ्रो करके चले जाएं, उसका पूरा फायदा उठाते हैं। तो टेम्परमेंट तो इन्होंने हमेशा दिखाया था। और ये एक और साइन है उसमें जोड़ लीजिए कि अगर कोई तकलीफ थी, हालांकि न्यूजीलैंड ने इस बार कोशिश भी नहीं की उन्होंने कोई, और 2020 में इतने ग्राउंड में शायद आप चेक भी नहीं कर सकते कि शॉट, क्योंकि टॉप एज भी चला जाएगा, लेकिन वो न्यूजीलैंड की प्रॉब्लम है। जो मर्जी किया हो, इन्होंने उसको काउंटर अटैक किया। क्योंकि सबसे मुश्किल क्या होता है, सबसे मुश्किल तो अपने मन को ही मनाना होता है ना। नहीं, अगर आप में अगर कोई कमी आ गई है या कहीं डाउट है खेलने का, वो क्या होता है, बाकियों को थोड़ी अपने मन में होता है। तो वो तो इन्होंने दिखाया कि उन्होंने बेशक ना ट्राई किया हो, लेकिन अगर नहीं कर रहे तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी गेम पूरी चलाता चला गया।